मुल्क भर की तरह ज़ैद बिलों के खिलाफ एहतजाज जारी है, इसी तरह अंजुमन ताजरान पाक पतन की तरफ से भी एहतजाज का ऐलान किया गया है जो कि बिजली चौक से इन्ना चौक की तरफ रवाना होगा। इस एहतजाज में मुख्तलिफ तबके के अफराद ने शिरकत की है, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत से कि बिजली के टैक्स वापस लिए जाएँ। गैर मुतवक्को टैक्स लगा दिए गए हैं जो टैक्सों की मद में गैर ज़रूरी बिल डाले जा रहे हैं, वो बिल ठीक किए जाएँ। बिजली की महंगाई और पेट्रोल की महंगाई ताजरों के काबिल बर्दाश्त है, इसलिए ये बिजली का जो मामला है वो ठीक किया जाए। और हम एक्शन से कहते हैं कि रीडिंग जो है वो टाइम पर की जाए, वो सात सात दिन रेड रीडिंग करते हैं, इसलिए ज़्यादा बिल डाले जा रहे हैं। इनको सबको हदायत करें मीटर रीडरों को कि वो रीडिंग टाइम पर करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। आज हम जिस सिलसिला में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मरकजी अंजुमन ताजरान आल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी और मोजज़ीन शहर यहाँ पर इकट्ठे हैं, हमारा एक ही मुतालबा है हुकूमत वक़्त से कि इस आवाम को इतना जलील ना करें। ये आवाम अपना हकूक लेना जानती है। जब हम सड़कों आज हम पुरअमन सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन अगर हमें इसे ज़्यादा ख़राब किया जाएगा, हमें इसे ज़्यादा ज़्यादती की जाएगी, तो हमें अपना हकूक लेने का तरीका आता है और फिर हम कोई रास्ता भी इख्तियार कर सकेंगे। तो हुकाम बाला से वाबदा हुकाम से हमारी ये दरख्वास्त है कि एक तो ये रीडिंग जो है ये टाइम के अंदर किया करें, और दूसरे नंबर पर हुकूमत वक़्त से है, ये 200 यूनिट की हम भीख नहीं मांग रहे, हम मरी हुई आवाम हैं, हम रिस्क हलाल खाने वाली जो लोग हैं ये पिस चुके हुए हैं। कोई लोग अपने बच्चों को बीमारी का इलाज करवा के छोड़ कराने की बजाय वो बिल जमा करवा रहे हैं। ये हुकूमत वक़्त से हमारा मुतालबा है और ये तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर का ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द हमारे इस मुतालबा को नोटिस किया जाए और बिलों को रिलीव करते हुए आवाम को सुख का सांस दिया जाए। शुक्रिया। रहमान रहीम, हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि गरीब दोस्तों, ताजरों को, गरीब लोगों को प्लीज़ मेहरबानी करके इन बिलों में जो आपने इजाफा किया है इनको ख़त्म करें, वरना हम लोग ये बिल नहीं देंगे और आपका मुल्क नहीं चल सकेगा, आपकी वापटा नहीं चल सकेगी। आप जब तक सही नहीं करेंगे अपने आप को, आज तो हमने सिर्फ रैली निकाली है, हमारे पाकिस्तान लेवल से अगर कॉल आ गई तो हम पूरा मुल्क बंद कर देंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि बिल जो ज़्यादा बढ़ाए गए हैं उनके बिल के रेट कम किए जाएं और उसके ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो कम किए जाएं, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा मैन दबीर के साथ जो तारिक अली पाकपतन।